प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की जो साइंस के इम्पोर्टेंट्स पेपर है अर्धवार्षिक के लिए, उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम जो साइंस का मॉडल पेपर था प्रीवियस पेपर का, वो आपको बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर देखिए, ये केल्विन में लिखा हुआ है, इसको हम सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए, हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए सिंपली क्या करना होता है, जो केल्विन में मान दे रखा है उसमें से हम 273 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, 273 उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो ये 300 यानी कि यहाँ पर 293 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस तापमान क्या होगा, जो 293 में है यानी कि केल्विन में से 273 को हम घटा देंगे। तो 293 में से 273 घटाएंगे तो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही 470 में से ये 273 घटाएंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। इसके ही विपरीत एक क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदला, अब इसमें क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे। तो इसमें क्या करते थे, 273 घटाते थे, लेकिन अब इसमें क्या कर देंगे, 273 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो 298 क्या जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ऐसे ही इसमें कर देंगे तो इसका क्या जाएगा, 646 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, इसका हमें कारण लिखना है। तो देखिए, कारण क्या होगा, क्योंकि नेप्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुँच जाती है। तो देखिए, इसका क्या कारण होगा, क्योंकि इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है यानी कि घुल जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करो। देखो, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, परिभाषा हम देखते हैं। पहली परिभाषा है संतृप्त विलयन की, तो वो क्या होगी, जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक चीज़ें हम कुछ घोल नहीं सकते उसमें, यानी कि एक अंतिम सीमा आ गई कि इसमें कुछ घोला नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो देखिए, 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में से अधिक नमक नहीं घोला जा सकता, अतः यह नमक और जल का एक संतृप्त विलयन है। इसके बाद देखिए, शुद्ध पदार्थ की बात करें तो देखिए, पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से बने मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पानी आदि। इसके बाद देखिए, निलंबन की बात करें तो कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके बाद देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो देखिए, इधर लिखे हुए हैं समांगी मिश्रण और इधर लिखे हुए हैं विषमांगी मिश्रण, तो ये आप अंतर पढ़ लेना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रणों के प्रकार, तो आपको ये याद रखना है मिश्रण को प्रकार, मिश्रण की परिभाषा भी आप याद कर लेना। तो देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, समांगी और विषमांगी में अंतर। तो यहाँ पर देखो, समांगी मिश्रण क्या होगा, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अभिभेद्य होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, जैसे जल में शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है। इसके बाद विषमांगी की परिभाषा हो जाएगी, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मान लो, जैसे शक्कर और चीनी बालू का रेत एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये, जैसे कोई परिवर्तन हुआ तो वापस उस पदार्थ को हम बना भी सकते हैं। जैसे मान लो मोमबत्ती पिघलेगी तो मोमबत्ती से जो मोम बना उससे वापस हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसके देखिए भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और बहुत कम मात्रा में उष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जैसे बर्फ का पिघलना, ये देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब जैसे कोई पदार्थ बन गया तो उससे वापस जिस पदार्थ से बनाया उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी चीज़ का जलना, तो जैसे मान लो कोई लकड़ी जला दी, अब लकड़ी से जल गई तो जो पदार्थ बना उससे हम वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। नए पदार्थ बनते या बनते हैं। इसके बाद देखिए एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में उष्मी अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जैसे मानो लकड़ी का जलना इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो मिश्रण तथा यौगिक में अंतर ये भी आप जरूर पढ़ लेना, तो ये पढ़ लेना आप इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र पूछे जाते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होगा CaCl2 और कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 का होल 2। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम क्या कहलाता है, देखिए इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव, यानी कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है, यानी कि आप तो बस ये याद रख लेना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये भी आपको याद करना है। देखिए ये नियम क्या कहता है, इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। तो देखिए इधर लिखी हुई जंतु कोशिकाएं, यहाँ पर देखो जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती हैं, जबकि ये क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती, कौन, पादप कोशिका। इसमें देखिए जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद देखिए इसमें रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं, और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इसमें देखो सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है, इसमें गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और इधर प्रकाश संश्लेषण होता है। इधर प्राय आकार में छोटी होती है और इधर प्राय आकार में बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर 7 अंतर लिखे हुए हैं, तो इसमें से कम आप जो है 4 अंतर तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एडीनोसिन ट्रांसफॉस्फेट यानी कि ATP के रूप में मुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन को भी आप जरूर याद करना। इसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका में होता है। क्या नाम इसका, चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाएं पर्यावरण से अपना भोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके बाद देखिए परासरण क्या है, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों प्रकार के रेशीय पेशीय जो रेशे हैं
उनमें चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ पर देखिए आप अंतर जरूर याद कर लेना, आपको चित्र याद होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इनमें जो अंतर है वो आप याद कर ही लेना। देखिए और आप ये भी याद रखना कि जो पेशी है इनका नाम क्या है, कि पहली है रेखित पेशी, दूसरी चिकनी और तीसरी कार्डिक पेशी, इधर ये अंतर लिखे हुए हैं इनमें, तो कम से कम चार चार अंतर जो हैं आप इनको याद कर लेना। इसके बाद देखिए अगला है न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए, तो आप न्यूरॉन का ये चित्र बना देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अदिश राशि और सदिश राशि, इन दोनों की आपको परिभाषाएँ याद रखनी है। तो देखिए अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, अदिश राशि का मतलब होता है यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा न हो तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। जैसे मान लो चाल हो, दूरी हो, यानी कि केवल परिमाण दिया हो। इसके बाद देखिए सदिश राशि है, इन भौतिक राशियों का मोल एवं दिशा दोनों ही होती है, जैसे वेग और विस्थापन। तो इन अदिश और सदिश की परिभाषा और जो है आप इसके उदाहरण जरूर याद कर लेना। इसके बाद देखिए ग्रापी विधि से गति के समीकरण, तो देखिए ये जो ग्राफ जो तीन गति के समीकरण है ये आप इनको समीकरणों को याद कर लेना, और यहाँ पर यू क्या है, टी क्या है वो भी आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए गति के जो नियम है, तो गति के नियम भी आप याद करना। जैसे प्रथम नियम है गति का कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाएँ असंतुलित बल कार्य न करें। तो ये गति का प्रथम नियम है। गति का दूसरे नियम की बात करें तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के समय के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपाती होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक न्यूटन ये और एक या भी याद कर लेना कि बल का मात्रक, तो देखिए बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और न्यूटन को परिभाषा देखिए, एक न्यूटन का बल वह बल है जो एक किलोग्राम द्रव्यमान को किसी वस्तु में एक मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेकंड प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। इसके बाद देखिए गति का तीसरा नियम भी याद कर लेना कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये रॉकेट का सिद्धांत, तो रॉकेट का सिद्धांत किस पर, रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है, तो ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें, यानी कि इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए इसका कारण क्या होगा, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दरी गतिशील हो जाती है, परंतु जो धूल के कण होते हैं वो जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो देखिए जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, परंतु जब बस आगे चलती है तो जड़त्व के कारण सामान के पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना होती है, अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों, तो इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देता है, यानी कि जो बिजली तड़कती है तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए उसकी जो चमक और गर्जन एक साथ होती है, लेकिन चमक तो हमें तुरंत दिखाई देती है लेकिन उसके थोड़ी सी बाद जो है उसकी गर्जना हमें सुनाई देती है, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका कारण बताएंगे, वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर देखो ये चाल को आप याद करना जरूरी नहीं है, आप बस ये बता देना कि वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इस कारण समान दूरी से आने वाले तड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है परंतु उसकी गर्जन कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए
पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये चित्र बनाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बाकी बिना चित्र बनाए भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। ये उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुँचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और उसका आकार क्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये सोनार है और इसकी कार्यविधि क्या है, ये आपको सचित्र वर्णन भी पूछा जा सकता है और बिना चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर ये अलग गाइड की क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके पास जो गाइड है आप उसमें से भी इसको देखकर कर सकते हो, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो देखिए, इसकी परिभाषा और उदाहरण भी हम याद करेंगे। तो देखिए, संक्रामक रोग क्या होते हैं, रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और कृमि है। इसके बाद देखिए, असंक्रामक रोग ये क्या होते हैं, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, एलर्जी हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखे हुए हैं इधर कि कारक और रोग, तो आपको ये याद रखना है, जैसे मान लो कि सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये किससे फैलते हैं, देखिए वायरस यानी विषाणु से फैलते हैं। इसके बाद हैजा, खसरा, सही रोग, एंथ्रेक्स, टिटनेस, ये किससे फैलते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो या तीन रोगों के नाम लिखिए, तो आप इसे लिख सकते हो, कवक से क्या होते हैं, दाद, और प्रोटोजोआ से क्या होते हैं, मलेरिया, काला जार, अमीबिया पेचिस, और कृमि जनित रोग क्या होते हैं, फील पाँव यानी कि एलिफेंटिस। तो इस तरह से आप ये याद, जैसे विषाणु से पूछ ले कि विषाणु से होने वाले दो रोगों के नाम लिखो, इस तरह से आपको ये याद करने हैं। इसके बाद देखिए, यदर लिखे हुए हैं रोग फैलने के कारण, क्या लिखे हुए हैं, रोग फैलने के साधन। तो यहाँ पर देखिए, वायु द्वारा के, जल और भोजन द्वारा, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, एड्स का विषाणु। तो ये आपको ये से याद रखने कि रोग फैलने के कौन कौन से साधन है, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, कुछ एक दो जो है चित्र है इम्पोर्टेंट, जो आप याद कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, एक चित्र है आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद कर लेना। और ये जो नामांकित चित्र यानी कि ये जो नाम में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, पादप कोशिका का भी आपको ये चित्र याद करना है, और इसके बाद एक न्यूरॉन का। तो ज़्यादा चित्र आपके क्लास नाइन्थ में है भी नहीं, इतने से ही चित्र हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमने डिस्कस करे हैं, ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, यानी कि ये 3 या 4 नंबर में आपसे जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, हम 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को अभी इसके बाद जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद कुछ जो आपके देखिए न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो कुछ जो टॉप 10 न्यूमेरिकल है उनको भी यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो आप अब तक जब तक इसकी तैयारी करें, और आपने तैयारी भी करी होगी, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।